ना, तो एफ हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, माइनस एक्स। ए भी प्रोपोर्शनल टू होता था माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स इधर है तो ए अपोजिट में है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फिर क्वेश्चन नंबर टू, टू नहीं फोर ना, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी सॉरी, वेलोसिटी के बीच में एंगल चाहिए ना, वेलोसिटी के बीच में एंगल चाहिए। वेलोसिटी ये नहीं होगा ना, वेलोसिटी तो वो इधर को भी हो सकता है और इधर को भी हो सकता है ना। जब वो आगे जा रहा होगा तो इधर को होगा, लौट रहा होगा तो ये वाला होगा ना। फोर्स तो हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लग रहा होगा, लेकिन जब वो मीन पोजिशन से अवे जा रहा होगा तो वेलोसिटी के साथ 180 एंगल बनेगा, और जब मीन पोजिशन के टूवर्ड्स आ रहा होगा तब वो 0 एंगल बना रहा होगा। ये बात समझ आ रही है ना? मैंने एक्स के साथ एंगल बताया। हाँ, ये लीनियर एसेशन की बात हो रही है ना, अभी एंगुलर पढ़ा नहीं है तो अभी उसकी बात नहीं करो ना। या तो एक्स डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है तो वो जा भी सकता है या लौट भी रहा होगा, दोनों पॉसिबल है ना, लेकिन फोर्स तो हमेशा इधर को ही लगेगा ना, तो दोनों एंगल पॉसिबल है ना, 180 और 0। हाँ, मतलब आइदर अलोंग और आइदर अपोजिट आएगा ना, तो डी वाला ऑप्शन आएगा। मैंने एक्स के साथ पहले बता दिया था ना, एक्स के साथ हमेशा 180 बनेगा, V के साथ दोनों रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट करें, थर्ड डाउट है। थर्ड में देखो क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी 874 एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, देन मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो, तो आपको ये बोला गया कि मान लो ये मीन पोजीशन है, तो यहां से एक पॉइंट हमने कुछ लिया ए, एक लिया बी और एक पॉइंट लिया सी, ये सब 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर है, और ए वाला मान लो मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर है, और इन पे वेलोसिटी बताई गई है, ए पर 8 है, बी पे 7 है और सी पे 4 है ना। वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी ना, सब सीजीएस में ही सॉल्व कर रहे हैं ना, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम मतलब क्या चाहिए, ए ओमेगा की वैल्यू चाहिए ना, हमें मी ए ओमेगा चाहिए ना। तो एक बार हम लोग ए पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। एक बार ए वाले पॉइंट के लिए लगाओ, ए वाले पॉइंट पे लगाओगे तो बी की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 8। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं ना इधर, तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बी पॉइंट के लिए लगाओ, बी के लिए जब लगाओगे तो हो जाएगा अभी और एक बार सी के लिए लगाना है। तो आपको यहाँ पर दो, एक बार 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर लो, एक बार 2 और 3 को सबट्रैक्ट कर लो ना, तो उससे हो जाएगा सॉल्व। नहीं हुआ था, ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेटर बंद करा दिया तेरा, तो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 में से अगर हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया हाँ, वैसे ये बात तो सही है, 8 या 8 से बड़ी हो सकती है ना, सही बात है सलोनी।
एट होगी या एट से बड़ी हो सकती है, तो एक ही स्पीड है डी वाला, बट ठीक है ये तो अपन ऑप्शन से कर लिए, बट अपन को वैसे करना हो मेथड से तो कैसे करें, बट अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, मान लो वन को टू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, नोट करो, देखो ये तीन इक्वेशन लिखी है, ए ओमेगा एक्स तीन अननोन है, तो हो जाएगा, बट ठीक है मैं कर देता हूं। करूं या नहीं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आ जाना चाहिए यार, तीन एक बार वन टू को सब्ट्रैक्ट करो, एक बार टू थ्री को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड वगैरह कर दो, हो जाएगा, ठीक है फिर कर लो ना। फिर सेवेंथ में देखो, फोर्थ, अच्छा फोर्थ देखो, फिर फोर्थ में देखो है, अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू लॉ एक्स इक्वल टू ए कॉस पाई टी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2.5 सेकेंड, तो हमें इसने डिस्टेंस कितना कवर किया हमें ये पता करना है ना। देखो अगर ये a cos pi t है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां से शुरू कर रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin pi t plus pi by 2 ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना cos theta को, तो इसका मतलब इनिशियल फेज कितना पकड़ना है pi by 2, इनिशियल फेज सबको क्लियर है पाई बाई टू है, इनिशियल फेज पाई बाई टू का क्या मतलब हुआ, कहां से स्टार्ट हो रहा है जर्नी, इनिशियल फेज पाई बाई टू है मतलब शुरू में ये इमेजिनरी पार्टिकल यहां बैठा है, तो रियल यहां से चल रहा होगा इधर को, इमेजिनरी इधर को चलेगा ना, और टाइम पीरियड कितना आएगा, यहाँ पे देखो ओमेगा दिया है ना, ओमेगा कितना है आपका पाई, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 सेकेंड, ओमेगा 2 सेकेंड है ना, 2.5 सेकेंड मतलब कितना हो गया, 2.5 सेकेंड मतलब कितना हुआ, टी प्लस टी बाई 4, ये समझ आ रहा है, टी प्लस टी बाई 4 होगा ना, समझ आ रहा है बच्चों को, 2.5 सेकेंड मतलब कितना हुआ, टी प्लस टी बाई 4, अब देखो ये अगर यहां से चलना शुरू किया तो यहां तक आने में उसको टी बाई 4 लगता है ना, मीन पोजिशन एक्सट्रीम से मीन तक आने में टी बाई 4 लगता है, फिर मीन से एक्सट्रीम तक जाने में फिर टी बाई 4 लगेगा, तो यहां आते आते टी बाई 2 टाइम हो जाएगा ना, ये एक पार्ट कवर करने में टी बाई 4 टाइम लगता है, ये मैं अभी सॉल्व करके भी समझा देता हूँ ना, ये देखो आप ऐसे समझ लो कि जैसे इमेजिनरी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो पूरा सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगेगा टी, तो केवल 1/4 सर्कल कवर करने में कितना लगेगा टी बाई 4 ना, केवल 1/4 सर्कल अगर कवर करते हो, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है,
यहाँ पे एक बार पार्टिकल यहाँ से आगे जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, तो टी टाइम हो जाएगा, फिर वापस जब जाएगा यहाँ पर तो टी बाई फोर हो जाएगा ना। एक टाइम पीरियड टी में क्या होगा, जहां से चला है वहां पर वापस आ जाएगा, और फिर अगले टी बाई फोर में यहां तक आएगा ना। तो कितना बोलोगे इसको, यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो कितना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड है ए ना, तो पहले ए गया आगे को, फिर ए आगे को गया, टू ए आगे गया, टू ए पीछे आया, ना? तो टोटल पहले 2a आगे जाएगा, 2a पीछे आएगा, फिर a आगे जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2a आगे गया, 2a पीछे आया, फिर a आगे गया, तो 5a आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? फिर देखो इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता था कि जहां पे भी डिस्टेंस पूछी जा रही है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी का मॉड इनटू डीटी, और जहां से यहां तक का पूछा गया है वहां तक का इंटीग्रेशन, ये याद है सबको, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो और इंटीग्रेट कर दो जिस टाइम के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको देखो एक्स पता है ना, अगर एक्स पता है आपको तो v निकाल लोगे डिफरेंशिएट करके, ये x को डिफरेंशिएट करना है ना, x को डिफरेंशिएट करना है, तो v कितना आ जाएगा, a पाई साइन पाई t माइनस साइन, ये डायरेक्शन के साथ आ रहा है ना, टाइम डालोगे तो यहाँ v डायरेक्शन के साथ आएगा, आपको केवल मॉड चाहिए ना, मॉड चाहिए तो आप क्या लगा दोगे, a पाई साइन पाई t dt, और जीरो से 2.5 सेकेंड ना, अब यहाँ पे देखो ये मॉड लगाए ना, मॉड लगाए मतलब ये हमेशा प्लस में होगा तो मॉड सीधे हटा दोगे, और अगर कहीं माइनस में है तो वहां पे एक और माइनस लगाना पड़ेगा कि प्लस हो जाए। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में अगर आप साइन पाई टी में टी की वैल्यू डालोगे 2.5 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2.5 पाई, तो आप ये देख रहे हो 2 पाई से ज्यादा हो गया ना, अगर 2 पाई से ज्यादा हो गया तो इस इंटरवल में क्या होगा, ये कहीं पे पॉजिटिव हुआ होगा कहीं निगेटिव हुआ होगा ना, 2 पाई से ज्यादा हो गया, तो साइन 0 से 180 प्लस में रहेगा, 180 से 360 में माइनस रहेगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो आपको इसको कई पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, आज इसमें बहुत सोचना पड़ रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, मैंने ये बता दिया, इसमें इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हाँ यहाँ पे तो वही अच्छा पड़ रहा है, पहले वाला ही इजी है, लेकिन फिर भी आप एक बार आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टाइम इंटरवल इतने अच्छे नहीं दिए जाएंगे जो आपने यहाँ पे सीधे सीधे निकाल दिया ना, कई बार टाइम इंटरवल ऐसे होंगे कि आपको सॉल्विंग करनी पड़ सकती है, वैसे ठीक है फर्स्ट मेथड ही बेटर है। तो ये भी एक तरीका नोट कर लो, अगर कैलकुलेशन इंटीग्रेशन वगैरह अगर थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है ना?
ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व नहीं करता हूँ, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करोगे वो लिख देता हूँ ना, 0 से पाए तक ये प्लस में होगा, तो इसको सीधे ओपन कर दोगे। 0 से पाए मतलब 1 तक, 1 डालोगे तो पाए आएगा ना। देखो यहाँ पर जब 1 डालोगे तो ये पाए बन देगा अंदर ना, साइन 180 तक प्लस में होगा, तो आप इसको सीधे ओपन कर लोगे। 1 से 2 तक जब डालोगे तो 180 से 360 आ रहा होगा ना, यहाँ 1 डालोगे तो पाए आएगा, 2 डालोगे तो 2 पाए, मतलब 180 से 360 के बीच में ये माइनस हो रहा होगा, तो यहाँ मॉड हटाने में माइनस लगाना पड़ेगा, और फिर 2 से 2.5 के बीच में ये फिर से प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये कर नहीं रहा हूं मैं पूरा ना, बस मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ मॉड में मॉड माइनस नहीं लगाना है, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, यहाँ मॉड हटाने में माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। बस इसमें माइनस लगाना पड़ेगा ना, बाकी कोई में माइनस नहीं लगाना। ठीक है, मेथड 1 ही बेटर है, आगे चलते हैं ना, ये भी हो सकता था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं 6th वाला। 6th में देखो बोला गया है, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन टाइम पीरियड। अरे 6th में तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, वी मैक्स आपको कितना होता है, ए ओमेगा, और ए मैक्स कितना होगा, ए कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, मैग्नीट्यूड की केवल बात हो रही है ना, जब एक्स मैक्सिमम होगा तो ए मैक्सिमम होगा ना, एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, तो दोनों को इक्वल कर दो, ए ओमेगा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई। अगर ओमेगा 1 होगा तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, नेक्स्ट 7th। सेवेंथ में देखो क्या है, अ पार्टिकल अंडर गो सिंपल हार्मोनिक मोशन एस टाइम पीरियड टी, तो आपको बताना है 3/8 ओसिलेशन में उसको कितना टाइम लगेगा। थ्री एट ओसिलेशन मतलब क्या हुआ, सर्कल में अगर सोचो तो क्या हो रहा होगा, एक बार पूरा सर्कल कंप्लीट करने को आप क्या बोलोगे, एक बार पूरा सर्कल कंप्लीट करने को एक ओसिलेशन बोलोगे ना, तो इसका 3/8 अगर हो ओसिलेशन चाहिए मतलब सर्कल में 3/8 घूमना है, तो टाइम भी उसी हिसाब से 3/8 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 3t/8 आ जाएगा, सर्कल में सोच लो ना। फिर 8, अबे चमन देखो तुमको ये बोला जाए कि पूरा ये सर्कल कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है, तो आधा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलोगे, आधे सर्कल में t/2 टाइम लगेगा। अगर बोला जाए भाई 1/4 सर्कल कंप्लीट करने का टाइम बताओ, तो t/4 बोल दोगे। जितने फैक्टर से सर्कल का कंप्लीट करने का टाइम पूछा जाएगा उतने ही टाइम बोलोगे ना, तो 1/4 की जगह 3/8 बोल दिया गया है, तो 3/8 / t कर दोगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 8। कौन सा बोल रहा है अमन, 8 बोल रहा है क्या,
क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट इंटेक्स टू देखते हैं अब। टू में बताओ डाउट, सबने सॉल्व एग्जांपल पहले ट्राई कर लिया है ना? सॉल्व एग्जांपल करने से ही आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, इंटेक्स टू कर रहे हैं ना। थर्ड करना है पहले, सीधे सब डाउट बता रहा हूं, ये सुनो ना, इस डाउट से वो भी हो जाएगा, इलस्ट्रेशन भी होगा। थर्ड देख लो पहले, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 केजी एग्जीक्यूट SHM अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी दिस एट पोजीशन दिस द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी दिस मच एंड पोटेंशियल दिस मच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। देखो आपको ये बोला गया है कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है ना, और उसका हमें मास दिया हुआ है 0.2 केजी और हमें फ्रीक्वेंसी दी है 25 5/5 और हमें x=0 पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी दी है। तो हमें उसका एम्पलीट्यूड बताना है ना। आपको ये पता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा ना। टोटल एनर्जी कितनी होती है, 0.5 प्लस 0.4 करके ये आ जाएगा 0.9। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखा था फॉर्मूला। ओमेगा निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी है तो 2πf करोगे तो आ जाएगा ओमेगा, वो यहाँ डाल दोगे, फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, मास दिया हुआ है तो आ जाएगा एम्पलीट्यूड। समझा बच्चों? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फोर्थ करना था ना। आप फोर्थ पहले देख लो, फार तो पहले फोर्थ कर लेते हैं फिर तू देखते हैं। फोर्थ में देखो बोला जा रहा है टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, दो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। दे पास ईच अदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच टाइम देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो हमें देखो यहाँ पे बोला गया है कि दो पार्टिकल सेम लाइन में SHM कर रहे हैं ना, सेम लाइन में SHM कर रहे हैं और हमेशा जब वो पास करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और a/2 पर होते हैं ना। मान लो यहाँ पर x=a/2 है तो एक इधर जा रहा होगा और एक दूसरा इधर जा रहा होगा, हमेशा वो a/2 पर पास हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए ना। मान लो ये ऊपर वाला पार्टिकल 1 है, नीचे वाला पार्टिकल 2 है, तो हमें इनका फेज डिफरेंस बताना है। तो फेज डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, अगर पार्टिकल 1 का इमेजिनरी पार्टिकल बैठा हो तो कहाँ होगा वो, यहाँ होगा ना, पार्टिकल 1 का इमेजिनरी, क्योंकि पार्टिकल 1 आगे को जा रहा है ना, तो वो इधर को जा रहा होगा। और पार्टिकल 2 का इमेजिनरी कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, पार्टिकल 2 का इमेजिनरी।
तो अब इनके बीच में फेज डिफरेंस बताना है, मतलब क्या बताना है, ये जो इनके बीच का एंगल है ये बताना है ना, पहले वाले पार्टिकल का ये फेज है और दूसरे वाले पार्टिकल का ये फेज है ना, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ये बताना है, ठीक है। तो अब ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाली साइड देखो देखो ये वाली साइड ए बाई टू है ना, और ये वाली साइड ए है, तो आप ये कॉस थीटा लगा करके ये निकालोगे 60 डिग्री आएगा, तो ये 60 होगा और ये 60 होगा, तो ये पूरा टोटल 120 मतलब 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। समझ आया सभी को क्या बोल रहा हूं? देखो कॉस थीटा लगाओगे तो ये देखो नीचे वाली साइड ए बाई टू है ना, यहां वाली साइड ये दिख रहा है, ये वाला साइड ए बाई टू है, कॉस थीटा लगाओगे तो ये ए बाई टू है और ये ए है, दिख रहा है सबको, तो कॉस थीटा लगाओगे तो 1/2 आएगा, तो थीटा 60 हो गया ना, तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, ऐसे निकालोगे तो पूरा एंगल हमारा 120 आ जाएगा ना, पूरा जो फेज डिफरेंस होगा 120 मतलब 2π/3। समझ आया सभी को? फिर सेकंड देख लो, सेकंड भी पूछा है डाउट पार्थ ने, नोट कर लो नोट पर। सलोनी देखो हम इक्वेशन से कर सकते हैं बट उसमें एंगल वगैरह सोचने में थोड़ा दिक्कत आता है कई बार, क्योंकि कई सारे पॉसिबल एंगल होते हैं ना, तो हमेशा ज्यादा बेटर होता है फेजर से करो। फेजर से आपको इजी जाएगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से आपको ध्यान रखना होगा कि वेलोसिटी किधर है ना, उससे दो पॉसिबल एंगल होंगे, एक जाने का एक आने का, तो वो ध्यान में रखते हुए बताना पड़ेगा ना इक्वेशन से। देखो सेकेंड में आपको बोला गया है कौन सा एरो क्यों आता है श्रेयस, अच्छा जो एक एरो यहां पे बना हुआ है वो बोल रहे हो यार, वो जब एनोटेट करने जाऊंगा तो वो वाला एरो दिखा रहा है वो, अभी मैं वो वन नोट वाला यूज कर रहा हूँ ना, जब जूम वाला एनोटेशन यूज करता हूँ तो वो आता है। सेकेंड में देखो आपको बोला गया है कि मीन पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी दी है एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पे के की वैल्यू के मैक्स होती है ना और यू की वैल्यू मिनिमम होगी, तो टोटल एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक होगी ना, ये कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और बी कितना होगा मीन पोजीशन पे ए ओमेगा, ये समझो ना, हाफ एम बी स्क्वायर लगा और बी की वैल्यू ए ओमेगा डालिए ना मीन पोजीशन पे, अब आपको ए दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दी है, तो ओमेगा आ जाएगा यहां से,
ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, टू पाई बाई ओमेगा कर दो। समझा क्या सेकंड वाला पार्थ? नेक्स्ट बताओ। फिफ्थ, हाँ हाँ वही चीज है प्रथम ना, वही चीज है जो तू इक्वेशन से बोल रहा है वो अपन कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं, एक ही बात है। तो अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM अलोंग एक्स एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 1.2 सेकेंड। मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x=2 to x=4। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, ये मैं अभी क्लास में कराने वाला हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, इसको कराना पड़ेगा। तो ये अभी रुक जाओ 2 मिनट ना, अभी क्लास में कराऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक बार कराना पड़ेगा क्लास, बिना उसके भी हो जाएगा बट पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बताओ। सिक्स, तो वो सिक्स में बोला गया है टू पार्टिकल्स, सिक्स अच्छा क्वेश्चन है ना, सिक्स देख लो तभी। दो पार्टिकल वाले क्वेश्चन के लिए चवन, ये जो एग्जाम्पल इलुस्ट्रेशन ये डाउट डिस्कस कर रहा हूं इससे फायदा मिलेगा ना, वही सब चीजें हैं, फेज डिफरेंस वगैरह निकालना। डाउट सुनो अच्छे से ना, फिर हो जाएगा, नाइन्थ भी हो जाएगा उसी से। टू पार्टिकल आर परफॉर्मिंग SHM ऑन सेम स्ट्रेट लाइन of same frequency and amplitude, the largest distance between particle is A. The phase difference between the two particle, two simple harmonic oscillators. देखो यहाँ पे ये बोला गया है, दो particle एक ही line पे oscillate कर रहे हैं और ऐसे oscillate कर रहे हैं कि उनके बीच की maximum distance जो आ रही है वो A आ रही है। अगर मान लो दो particle oscillate कर रहे हैं तो उनके इमेजिनरी पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कुछ एंगल होगा ना। मान लो एक का इमेजिनरी पार्टिकल अभी यहां पर है और दूसरे का इमेजिनरी पार्टिकल यहां पर है ना, और वो ऐसे चल रहे हैं, तो इनके बीच का एक का रियल अभी यहां होगा, दूसरे का रियल यहां होगा ना। दोनों सेम ओमेगा से चल रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का बोला गया कि टाइम पीरियड सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये कभी चेंज करेगा क्या? अगर दो ऐसे मान लो दो वेक्टर है उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है और दोनों को हम कॉन्स्टेंटली घुमाते जा रहे हैं, तो क्या इनके बीच का थीटा कभी चेंज करेगा? नहीं करेगा ना। अब इनके जो रियल पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? एक तो जब ये ऐसे हो जाए ऊपर नीचे आ जाए तब क्या इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी रियल पार्टिकल की? अगर हमारे दोनों के इमेजिनरी पार्टिकल ऐसे आ जाए घूमते हुए, एक का घूमते हुए टू वाला यहां आ गया और वन वाला यहां आ गया, तो इनके रियल क्या हो रहे होंगे? अभी क्रॉस कर रहे होंगे ना, उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। जब इमेजिनरी पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे तो उनके रियल पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे ना। अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या होना चाहिए? ये दोनों एक ही लाइन में हो ऐसे, ताकि प्रोजेक्शन लो तो ये डिस्टेंस उनके बीच की मैक्सिमम मिले। समझो बच्चों ना, तो आपको देखो ये डिस्टेंस बोला गया है ए है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस है। सभी की दो ऐसे वेक्टर दो लाइंस है वो घूम रहे हैं, तो इनके रियल पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर डालने पे आएंगे ना, परपेंडिकुलर डालने पे आएंगे, तो जब ये ऐसे होंगे तब इनके रियल पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर आएंगे। तो समझ आ पा रहा है?
और ये डिस्टेंस आपको ए बोली गई है, तो एक साइड की ये डिस्टेंस ना, अगर ये ए बाई टू है और ये साइड ए है तो ये एंगल कितना आएगा, साइन थीटा वन बाई टू आएगा ना, यहाँ साइन थीटा निकालोगे तो ए बाई टू आएगा। अमन को मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये ऐसे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे तब इनसे जब प्रोजेक्शन डालोगे तो ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अगर ये आगे आएगा ये इधर आएगा तो ये फिर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एक पास आने लग जाए ना, थोड़ी देर बाद मान लो ये कहीं इधर आ गया और ये इधर आ गया है तो परपेंडिकुलर डालोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी, और बाद में कम होते होते जब ये यहां आएगा और ये यहां आएगा तो जीरो हो जाएगी ना इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये वाली साइड हमारी a बाई टू है, ये a है, अगर ये a बाई टू है तो ये भी a बाई टू आएगा, ये a है और ये a बाई टू है तो ये वाला एंगल निकालोगे साइन थीटा लगा करके ना, सामने वाली साइड हमें a बाई टू है ना तो साइन थीटा 30 आएगा, तो 30 इधर का 30 इधर का टोटल इनके बीच का फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो जाएगा ना। फेजर वाले क्वेश्चन ये टू पार्टिकल वाले ऐसे फेजर, और ये दोनों याद रखो डायग्राम कि जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो ऐसा डायग्राम बनेगा और मिनिमम डिस्टेंस होगी तो ये डायग्राम बनेगा ना, ये अक्सर यूज होंगे। श्रेयस वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हुई, वो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं हुई। अगर एक जीरो पर है एक ए पर है तो बाद में आगे मैक्सिमम डिस्टेंस लेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ए बोल, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज ए। देखो एक चीज और यहां पे समझा दूं, आपने देखो ये पीछे पढ़ा था कि दो पार्टिकल अगर एक ही लाइन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी ये बताओ भाई, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, ये मीन पोजिशन की तरफ जा रहा है और इसकी कम होती जा रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। याद है पीछे हमने पढ़ा था दो पार्टिकल अगर एक ही लाइन में जा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। रीजन ही तो बता रहा था यार, अब और क्या रीजन बताऊं। देखो भाई श्रेयस के अकॉर्डिंग श्रेयस बोल रहा है कि मैक्सिमम ये वाली डिस्टेंस है। अब श्रेयस का पहले पॉइंट समझा दूं अच्छे से, श्रेयस बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक यहाँ पर है, अगर मान लो ये इधर को चल रहा है ये इधर को चल रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है या इसकी स्पीड ज्यादा है, V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है। अभी अगर V2 ज्यादा है V1 से तो अगले इंस्टेंट पे बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, अगर V2 ज्यादा है V1 से तो अगले इंस्टेंट पर बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल A डिस्टेंस से चलना शुरू किए तो यही उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है, एक मीन पोजिशन पे लेने और एक एक्सट्रीम पे लेने। ना दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होती है ये हमेशा ध्यान रखो ना, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगले इंस्टेंट पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, ये वेलोसिटी कम हो रही होगी ये बढ़ रही होगी ना, तो बाद में कम होने लग जाएगी।
ये याद कर लो सब लोग, अगर जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये डायग्राम बनाना है और मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये वाला डायग्राम जो बनाया ये बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप। हाँ, मीन पोजीशन से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। ये डाउट्स है ना, डाउट्स तो नोट कर रहे होगे ना तुम लोग। डाउट्स कहीं तो नोट करते हो ना, जो भी डाउट कर रहे हो, जो आपको डाउट आए वो नोट तो करोगे ना, कल को फिर से वापस से सॉल्व करो, नहीं आया तो क्या करोगे। हाँ तो होमवर्क वाले बुक में कर लो, इसमें ही कर लो। नहीं नहीं भाई, होमवर्क की कॉपी बनाने को बोला है ना, रफ में थोड़ी करना है। अमन पूछ तो लोगे, लेकिन लास्ट में जब 2 साल का एक साथ रिवीजन कर रहे होगे ना, टाइम नहीं होगा तो बार बार पूछते नहीं आओगे, लिखा होना चाहिए। रफ में नहीं, कल पेज होमवर्क की कॉपी बनाओ, उसमें करना है। नेक्स्ट बताओ बच्चों। हाँ, कहीं पे भी लिख के रखो, और आपको पता होना चाहिए कि डाउट हुआ तो आपने लिखा है, आप फिर खोजो उस हिसाब से। टेंथ में देखो आपको बोला गया है, हालांकि ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये यू वाला भी पढ़ाना था, लेकिन बिना उसके भी आप कर सकते हो। देखो इसमें क्या गया है, 7th भी है, देख रहा हूं ऐसे आपको दिया हुआ है ना। अगर यू दिया है तो आप एफ निकाल सकते हो क्या, माइनर डी यू बाई डी एक्स करोगे तो एफ आ जाएगा। आपको टाइम पीरियड चाहिए, अगर आपको एफ निकाल दिया तो के आ जाएगा, के आ जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के में डाल दोगे, डिफ्रेंशिएट करो इसको, कितना आएगा डिफ्रेंशिएट करके, टू तो बाहर आ जाएगा, ये 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा, और x का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा ना। डिफ्रेंशिएशन सबको समझ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 × 3, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये सिंबल हट जाएगा ना d बाई डी एक्स का, तो माइनस साइन 3x आ गया। अब आपको देखो क्वेश्चन में बोला गया स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब x को बहुत स्मॉल लेना है, अगर x को बहुत स्मॉल लोगे तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, लिख दोगे ना, x को क्या लिख दोगे, साइन थीटा को थीटा लिख दोगे, तो साइन 3x को 3x लिख दोगे। तो ये आ गया -18 × x, तो f इक्वल टू -kx आ गया, ये k है आपका ना, k की वैल्यू आ गई 18, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड होता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ना, एम दिया है क्वेश्चन में 2 और के निकाल लिया आपने, कौन सा साइन, अबे साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो उसको थीटा लिखते हैं ना, 3x यहाँ पे बहुत छोटा है क्योंकि x बहुत छोटा है, तो इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख दिया है।
ये यू वाला भी और पढ़ाऊंगा मैं ना, यू वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे? सेवेंथ। हाँ यार अमन, कुछ ज्यादा ही डाउट होगा तुम लोगों को। कोई नहीं, डाउट से अपन को समझ आएगा ना कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। देखो तो ये हमें दिया हुआ है वाई वन की वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस रूट थ्री बाई टू कॉस ओमेगा टी, और वाई टू की वैल्यू है साइन ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा। और आपको इन दो दो ऑसिलेशन की ये इक्वेशन है ना, तो आपको इसमें आपको इनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। अगर मैं इसको SHM की इक्वेशन के टर्म में कुछ ऐसे लिख दूं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, और इसको लिख दूं कुछ वाई टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू, अगर मैं ऐसे लिख लूंगा दोनों को, इसको ऐसे लिख लूं और इसको ऐसे लिख लूं, तो यहाँ पे अब इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ये पहले का फेज है, ये दूसरे का फेज है, दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोला है? हाँ, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन करना है ना, फेज डिफरेंस निकालना है। इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, वाई वन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको आप लिख दो cos 60 डिग्री और इसको लिख दो sin 60 डिग्री। हाँ, मिनिमम फेज डिफरेंस ना, अगर मैं इसको cos 60 लिखूंगा इसको sin 60, तो y1 कितना हो जाएगा cos pi by 3 sin omega t plus sin pi by 3 cos omega t, मिनिमम वाला जो एंगल हो सकता है वो लिख देंगे ना, तो इसको लिख देंगे sin a plus b, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है वन। एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं ना, फेज मतलब आपको ये डिफरेंस चाहिए। और वाई टू को क्या लिखेंगे, वाई टू को आपको लिखने के लिए देखो यहाँ पर वन है और यहाँ पे भी वन है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। ये किया होगा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आपने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे मतलब रूट टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको cos 45 लिख दो, इसको sin 45 लिख दो ना, तो ये आ जाएगा sin omega t plus pi by 4। चमक रहा है सभी को? अब इनके बीच में फेज डिफरेंस चाहिए ना, एक में 60 डिग्री एडेड है, एक में 45 डिग्री, तो डिफरेंस लोगे तो 15 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा ना, pi by 12 का। समझ आया होगा सभी को? भावेश मजाक उड़ा रहे क्या? बहुत मतलब सब उड़ गया इसलिए ऐसे बहुत ठीक है, हो गया सारे, फिर चले आगे। इलुस्ट्रेशन जरूर से लगा लेना, इलुस्ट्रेशन लगाने से काफी आइडिया हो जाता है ना। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं।
हमने अभी तक SHM में इलुस्ट्रेशन डिस्कस नहीं करता। इलुस्ट्रेशन डाउट में पूछा करो भावेश ना, डाउट के लिए जब आया करो तब पूछ लिया करो ना। अबे तुम अमन आज श्रेयस बन रहे हो तो अलग से तुम डाउट सेशन का टाइम लेकर तो उसमें पूछ लो ना, जून पे पूछ लो डाउट सेशन का टाइम लेके, क्योंकि वो एक का एक दो का डाउट रहता है, वो सबको बताने का कोई सेंस नहीं है ना। चवन डाउट में पूछ लेना ना भाई, अभी एक बार ट्राई कर। एक तो अभी देखो अपन ने फ्रेजर वाले क्वेश्चन किए ना, तो आप खुद से करोगे तो हो भी जाएगा। दो पार्टिकल वाले फ्रेजर वाले क्वेश्चन करने रहेंगे, टेस्ट टॉपिक लास्ट में डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा पढ़ा लेने दो, अभी थोड़ा पढ़ा लेने दो फिर बाकी डिस्कस करते हैं। तो अब देखो हम लोग अभी लास्ट टाइम में हमने SHM की सारी इक्वेशन वगैरह देख ली है ना। अब जो भी इक्वेशन हमने देखी उनका हम लोग ग्राफ बनाना भी समझ लेते हैं ना। जैसे हमने A इक्वल टू देखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अगर A का मैं x के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? A का x के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे क्या है, कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप बन रहा है ना, c जीरो है इसका, और स्लोप क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, निगेटिव स्लोप है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना a और x का। मैक्सिमम कहां तक जा रहा होगा? ओमेगा स्क्वायर a तक ना, x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? a तक। इधर a x की वैल्यू माइनस a होगी और इधर x की वैल्यू प्लस a होगी। तो हमने a का देखो ग्राफ बनाया, अगर a और x का रिलेशन दिया है तो उसको देखते हुए, ऐसे ही हम लोग a और t के, a अगर फंक्शन ऑफ t दिया होगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? पहले x वाले सारे बना लेते हैं फिर t वाले बनाते हैं। एक तो a और x का देख लिया, v और x का देख लेते हैं। ऊपर यहां हेडिंग डाल देना ना, ग्राफ अभी देख रहे हैं हम लोग, उसमें पहला ग्राफ हमने a और x का देखा, अब दूसरा ग्राफ आपको बनाना है v एंड x का। कोई भी ग्राफ बनाना होगा तो क्या करोगे, पहले रिलेशन लिखोगे ना उसका, तो v और x का रिलेशन देखो क्या है और उसको देख के ग्राफ। हुआ किसी का ग्राफ v और x का? रिलेशन लिख दो पहले v और x का।
क्या रिलेशन आया? पैराबोलिक रिलेशन। सरयू तेरा क्या रिलेशन आया वी और एक्स में? ग्राफ का क्या नाम आया? इलिप्स। हाँ इलिप्स आएगा ना, इलिप्स सही है। ए और एक्स का देखो स्ट्रेट लाइन आया ना, बी और एक्स का इलिप्स आएगा। आप देखो ये लिखो बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। ओमेगा स्क्वायर को इधर कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आप देख रहे हो एक्स और बी दोनों का मैक्सिमम पावर टू है ना, और दोनों के कोफिशियंट इक्वल नहीं है और प्लस में है, तो ये इलिप्स आ रहा होगा ना, ये इस टाइप की इक्वेशन आ गई ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन ना, ये इलिप्स होता है ना। अब जो ए के नीचे होगा वो सेमी मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग दिखाएगा ना, और जो बी के नीचे होगा वो सेमी मेजर जो सेमी एक्सिस होगा बी के लॉन्ग वाला। तो अगर आपने मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है, B का x के साथ ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा? ये x की वैल्यू यहाँ पे प्लस a है ना, जब एक्सट्रीम पे पहुंचोगे तो b जीरो हो जाएगा ना, और मीन पोजीशन पे देखोगे तो x की वैल्यू b की वैल्यू a ओमेगा होगी ना, ये a ओमेगा है और ये एक्स ए है, ऐसे ग्राफ चल रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे बी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना ए ओमेगा, और एक्स इक्वल टू ए पर बी की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो हमने एक्स के साथ ग्राफ बना लिया ना, अब टाइम के साथ वाला ग्राफ बना लिया। ये क्या है भावेश फिर? ये है अंडा, क्या बोलना चाह रहे हो? अबे तुम तो हमें एकदम आर्टिस्ट मान लियो कि एकदम टू द पॉइंट डायग्राम बनाऊंगा। अबे रफ डायग्राम है भाई रजत, यही तो इसको समझा रहा हूं कि मैं आर्टिस्ट थोड़ी हूं कि एकदम इलिप्स ही बनाऊंगा एग्जैक्ट, रफ डायग्राम है ये। भावेश बातें याद रखते हैं सारी यार, वो तो मजाक में बोला था भाई, ये अपने अंदर वो भी टैलेंट नहीं है। ये तो बस रफ डायग्राम है, दिल पे मत लो भावेश। आगे चलते हैं, अभी देखो हमने एक्स वाले ग्राफ बनाए ना, अब हम लोग टाइम वाले ग्राफ बनाते हैं ना। एक्स का टाइम के साथ ग्राफ, बी का टाइम के साथ ग्राफ और ए का टाइम के साथ ग्राफ। हाँ कुछ कुछ चीजें तो आ जाती हैं यार ट्रक व्रक बनाना। तो अब देखो क्या है, एक्स के साथ अगर मान लो हमें ग्राफ बनाना है ए साइन ओमेगा टी ना, जल्दी लिखो
कुछ भी यार, ट्रक को तू ऑटो बना रहा है, इतना अच्छा मैंने ट्रक बनाया था, तेरे दिमाग का कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है ऑटो और ट्रक का। ये क्या है PYS मतलब? अच्छा, ओके। बट PYS वाई पहले लगने से क्या हुआ? अरे यार तुम लोग तो कुछ भी रिलेट कर दे रहे हो, PYS से कहाँ फिजिक्स रिलेट हो जा रहा है? बीच के दो तीन वर्ड ले लिया। अच्छा समझ गया भाई, वो भावना समझ गया मैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है। मैं अभी ग्राफ ड्राइंग में कोई एक केस लेके ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो फाई को 0 लेके ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सबको साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ बनाना आता है? श्रेयस बस अभी ये ग्राफ बनाना सिखाया है ना, एक ए और एक्स का ग्राफ सिखाया और एक वी और एक्स का। ए और एक्स का रिलेशन लिखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वी और एक्स का रिलेशन लिखो तो इलिप्टिकल ग्राफ आएगा ना, बस इतना बताया है। नहीं, श्रेयस ये भावेश मुझे बातों में फंसा दिया था, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पाया अभी तक। डाउट्स ही चल रहे थे, फिर सब भावेश की बातों में फंस गया था मैं। तो देखो भाई, इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक पाई इक्वल टू 0 लेकर के बना रहा हूं ना। तो अच्छा ये बात है, श्रेयस के लिए रुका रखा था तुमने। साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ तो पता होगा तुम लोगों को ना बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ पता है? ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? अगर एक्स को मैं इधर दिखाऊं और टाइम को इधर दिखाऊं ना, तो यहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? प्लस ए से माइनस ए के बीच में ना, और टाइम 0 डालेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, तो ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ये इधर प्लस ए तक जाएगा और ये दूसरे साइड में माइनस ए तक जाएगा ना, यहाँ पर एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा ना। समझो ना, ये बता रहा है कि पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, फिर लौट रहा है, ये मीन पोजीशन है, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है ना। यहाँ पे एक ओसिलेशन पूरा होगा, यहाँ पे हाफ ओसिलेशन पूरा होगा। फिर ऐसे ही हम लोग, हाँ मतलब मैं एक केस प्ले करके ग्राफ बना दे रहा हूँ ना। पाई तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ भी पाई आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पाई 90 डिग्री हो गया तो उस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। अलग अलग पाई के लिए अलग अलग रहेगा, मैं कोई एक के लिए बना दे रहा हूँ। अगर बी इक्वल टू एक्स, अगर ए साइन ओमेगा टी है तो बी कितना आ जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रजत, टाइम निगेटिव नहीं होता ना, इधर के साइड में टाइम निगेटिव है ना, तो ये नहीं पॉसिबल है ना। प्रैक्टिकली केवल टाइम पॉजिटिव होता है ना, तो ये वाला बनाए। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं v इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। तो ये v की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा है और कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा हो जाएगा? मॉड का क्यों बनाए प्रथम यार, टाइम के साथ दिखाना है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। वी की वैल्यू ये जब एक्स टाइम 0 पर, अभी वो मैक्सिमम स्पीड से चला है मीन पोजीशन से ना, ये ए ओमेगा है।
ना हमने इसी फाइव जीरो को लेकर के बनाया है ना, फाइव जीरो को अगर आप लेके बनाओगे तो अभी ये मीन पोजीशन से चल रहा है तो उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पे जाएगा स्पीड मिनिमम हो जाएगी जीरो ना, वही चीज दिखाई गई है ना, मीन पोजीशन से स्पीड कम होती जा रही है, ये एक्सट्रीम आ गया ना, और फिर ये वापस से मीन पोजीशन पे आ गया, निगेटिव डायरेक्शन में स्पीड हो गई है ए ओमेगा, फिर वापस से ये जा रहा है, ये एक्सट्रीम आ गया ना, जहां जहां पे बी जीरो है वो एक्सट्रीम है, और ये फिर से वापस मीन पोजीशन पे आ गया। फाई श्रेयस मैंने एक कोई कंडीशन मान ली है ना कि फाई जीरो है ना, आप कुछ भी फाई दिया जा सकता है उस हिसाब से ग्राफ बनाओगे। चार बार बता चुका कि फाई मैंने माना है, फिर भी दिमाग लगा रहा है कि क्या है क्यों है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं ए का टाइम के साथ ग्राफ, ए का साथ टाइम के साथ ग्राफ कैसा हो जाएगा, ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स की वैल्यू टाइम के टर्म में लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। हाँ एक्स जीरो मतलब बीन पोजिशन, और जहां वी जीरो वहां एक्सट्रीम पोजिशन ना, वी हमेशा एक्सट्रीम पे जीरो होता है और एक्स जीरो मतलब बीन पोजिशन। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर होगी, साइन थीटा का ग्राफ बनाना है और आगे माइनस लगाया तो साइन थीटा के ग्राफ को रिवर्स कर देना है ना, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस कर देना है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ए का टाइम के साथ ग्राफ, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ऊपर को बनता ना, तो ये नीचे को बनाएंगे ऐसे, और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए तक जा रही ये नोट होने के बाद ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स के बीच में, टोटल एनर्जी एंड एक्स के बीच का ग्राफ बना। ये नोट हो गया। अब एक चीज और पहले सुन लो, देखो अगर मैं एक्स और बी में चेक करूं, एक्स अगर साइन में है और बी कॉस में है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या बोलूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स और बी में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री ना, और आगे कौन है, बी आगे है ना, आगे कौन है बी। फिर ऐसे ही अगर मैं बी और ए में चेक करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ना, माइनस को अंदर लाके ऐसे 180 ऐड करके लिख सकता हूं ना। तो यहां पे क्या होगा, बी और अगर ए में चेक करूं, बी और ए में चेक करूं तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, फाइव बाई टू का ना,
ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि जो बी है वो फेज में एक्स से पाई बाई टू से लीड करता है। अब है ध्रुवेल, एक मेंटोस खाओ, देखो फटाफट समझ आएगा, क्योंकि कुछ समझाया नहीं है। ये देखो ओमेगा टी लिखा है, यहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है, यहां पे देखो ओमेगा टी है और यहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो दोनों में एक फेज में कितना डिफरेंस है? ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, तो कितने का डिफरेंस है? पाई बाई टू का ना। तो हम बोलेंगे एक्स जो वी जो है वो एक्स से फेज में 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना, लीड कर रहा है मतलब आगे चल रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि x b से 90 डिग्री से फेज में लैग कर रहा है। x पीछे चल रहा है तो बोलेंगे वो लैग कर रहा है ना, और b आगे चल रहा है तो उसको बोलेंगे लीड कर रहा है। हाँ प्रथम ले सकते हैं, बट अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, ज्यादा हाई फाई वाई में नहीं। जब v की बात करेंगे x से तो वो लीड कर रहा है ना, और x की बात करेंगे तो वो v से लैग कर रहा है। सेम वे में हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं, कि अगर B और A में चेक करें, B और A में चेक करोगे तो B में देखो यहां पाई बाई टू है, B में पाई बाई टू है और A में पाई है ना, तो A का फेज क्या है, इसके फेज से कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया ना। अब कल्पेश ग्राफ में लीड लैग की बात चल रही है, तुम उसमें ही लैग करा दिए। ठीक है, तो यहां पर ए जो है वो बी से पाई बाई टू से लीड कर रहा है ना, उसमें पाई बाई टू एक्स्ट्रा एडेड है ना, तो यहां पे हम ये लिख लेते हैं कि बी लीड्स एक्स बाय पाई बाई टू और दूसरा लाइन ए लीड्स बी बाय पाई बाई टू, ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन उसके बाद करना, मैं स्टेटमेंट ये पहले लिख लेना ना, ये स्टेटमेंट पहले लिखना है ना, बाद में क्वेश्चन नोट करना। स्टेटमेंट क्या है, बी लीड्स एक्स बाय ये स्टेटमेंट आते हैं ना मल्टीपल करेक्ट में, कि बी लीड कर रहा है या एक्स लीड कर रहा है, कितने फेज से लीड कर रहा है, मल्टीपल करेक्ट में स्टेटमेंट आते हैं, तो नोट कर लेना ना। फिर इसके बाद अब ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, अभी वीडियो देख रहे हो एकदम सही चल रहा होगा ना, कोई वो लैग नहीं आ रहा होगा। ग्राफ कैसा कैसा बन जाएगा, कैमरा ऑन तो कर दिया है भाई, कैमरा ऑन तो है। अबे प्रथम तुझे यही नहीं पता, पार्थ कैमरा ऑन तो कर रखा है। अच्छा तो देखो अब हम लोग अगर इसमें के और एक्स का ग्राफ बनाए, ए लीड्स एक्स बाय पाई, हाँ ये लिख लो ना यहाँ पे, ए लीड्स एक्स इन फेज
पाए पाए, एक्स और ए में देखोगे तो पाए का डिफरेंस होगा। हाँ सही है खालकर। अब ग्राफ वाला कर लेते हैं ना, ये जो क्वेश्चन दिया था वो पहले के एंड एक्स का ग्राफ बनाना है ना। कोई भी ग्राफ बनाना है तो पहला काम क्या करना रहेगा, रिलेशन लिखना रहेगा ना। तो के और एक्स में रिलेशन क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर और v की वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, ऐसे किया आ जाएगा। तो अब देखो हमें k और x में ग्राफ बनाना है ना। k और x में अगर ग्राफ बनाना है, k का मैक्सिमम पावर देख लो 1 है और x का मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। और माउथ किधर को ओपन करोगे, जिसका पावर कम है ना, k का पावर 1 है तो k वाले एक्सिस के लॉन्ग माउथ ओपन करेंगे, और पॉजिटिव k के लॉन्ग या निगेटिव k के लॉन्ग, तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है ना, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव मतलब नीचे के साइड में ओपन करेंगे। तो अभी इस हिसाब से ग्राफ बना देते हैं। k निगेटिव नहीं होता ना, x की वैल्यू जीरो डालोगे तो k की वैल्यू मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से पास कराते हुए ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बना दो ना। k निगेटिव नहीं होता तो आगे का ग्राफ नहीं दिखाएंगे ना, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सब नहीं बनाना है ना, बस इतना बना दो। और ये x इक्वल टू जीरो पे k मैक्सिमम होगा ना, x इक्वल टू जीरो पे k मैक्सिमम है। अबे पांडा तुझे गिरा गिरा के पीटूंगा तब तुझे समझ आएगा कि k निगेटिव क्यों नहीं हो सकता। पांडा जी ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है, क्या बात है, नहीं समझ आ गया। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं। हाँ u एंड x का ग्राफ, तो u इक्वल टू कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो u का पावर 1 है, x का पावर 2 है और x का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा u और x का, ऐसा कुछ ना, ऊपर के साइड का पैराबोला। और जब x इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो है ना, मैक्सिमम कहां होता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, टोटल एनर्जी तो हमें पता है हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो टोटल एनर्जी आप हमेशा कांस्टेंट दिखाओगे। हमेशा इनका सम कांस्टेंट होगा ना। ये देख लो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक में, एक जब मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है ना, और इनका सम हमेशा कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर ये बढ़ता जा रहा है, यू बढ़ रहा है, के कम हो रहा है, बट सम कांस्टेंट बना रहेगा ना।
हाँ अगर इनको इंटरसेक्ट करोगे हर जगह वो स्ट्रेट लाइन आ रही हो, मतलब सम हमेशा इनका कांस्टेंट आ रहा हो। याद नहीं रखने, ये तो सिंपल ग्राफ है, याद ही रहेंगे आपको, इनमें कुछ ऐसा याद रखने जैसा नहीं है। दो मिनट रुकना ना। यार ग्राफ बनाना आएगा तो बना लूंगा, उसमें याद रखने जैसा नहीं है। अगर आपको लगता है डाउट है कि ग्राफ नहीं बना पाऊंगा, इक्वेशन दी हुई है तो भी, तो याद कर लो। बट याद कितना करोगे, इतना 2 साल का सिलेबस याद करके काम नहीं चलेगा, समझ लो सब। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इस पे प्रॉब्लम करना। तो पहले ये जो स्पॉटलाइट आ रहा है उसके किनारे कर, ठीक है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। सपोज कोई पार्टिकल एक्स इक्वल टू, इक्वेशन छोड़ते हैं, मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है टाइम 0 पर, तो उसको हाफ ए बाई टू तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, और ए बाई टू से ए तक जाने का कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। यहां से यहां तक का टाइम मान लो कुछ T1 है, और यहां से यहां तक का टाइम T2 है, तो T1 T2 निकालना है। मीन पोजीशन से ए बाई टू तक जाने का टाइम और ए बाई टू से ए तक जाने का टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड टी निकालना है ना। अगर टाइम पीरियड टी गिवन है तो आपको T1 T2 टी के टर्म में बताना है। T/8 आएगा, T/12 आएगा, T/16 आएगा, क्या आएगा वो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? बताओ सभी। हाँ श्रेयस, T/12 और T/6। बाकी लोगों को भी ट्राई कर लेते हैं। देखो ये सबको क्लियर होगा कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा।
मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टी बाई फोर। अबे आयुष क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से एक साइड के एक्सट्रीम तक जाने में टी बाई फोर टाइम लगेगा ना, ये हम सर्कल से भी सोच सकते हैं। अगर हमने ऐसे सर्कल बनाया, हाँ अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो इसका इमेजिनरी पार्टिकल यहां होगा, तो यहां तक का टाइम निकालना है तो इमेजिनरी पार्टिकल तब तक यहां आ जाएगा ना, तो इमेजिनरी पार्टिकल को टाइम कितना लगा? पाई बाय टू अपॉन में ओमेगा ना, पाई बाय टू अपॉन में ओमेगा लगा ना, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, टू पाई बाय टी लिख सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, टी बाई फोर। ये बात समझ आ रही है, यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगता है वो टी बाई फोर लगता है, जाने में टी बाई फोर, आने में टी बाई फोर ना, फिर इधर जाने में टी बाई फोर, फिर इधर आने में टी बाई फोर, तो पूरा टाइम टी कंप्लीट हो जाएगा ना, एक बार पूरा जा करके ऐसे आने में टी हो जाएगा। तो अब हमें क्या लगता है कि अगर जीरो से ए तक जाने का टाइम, अगर ना जीरो से अगर ए तक जाने का टाइम टी बाई फोर है, तो हमें लगता है ए बाई टू मिड पॉइंट तक जाने का टाइम टी बाई एट हो जाएगा। ऐसा हम कई बार सोच लेते हैं ना कि जीरो से ए बाई टू तक का टाइम टी बाई एट हो जाएगा और ये टाइम टी बाई एट ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या वेलोसिटी यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी मीन पोजिशन पे मैक्सिमम है, और आगे जाने पे क्या होती जा रही है, आगे जाने पे वी कम होती जा रही है ना, तो इस हाफ में वी ज्यादा है और इस हाफ में वी कम है ना, इधर जब वी कम है इधर वी फास्ट है ना, शुरू में फास्ट चल रहा था तो जल्दी कवर हो जाएगा ना पहला हाफ, और अगले हाफ में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है समझो, पूरा यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगेगा वो आधा आधा नहीं कर सकते, क्योंकि v लगातार कम होता जा रहा है ना, लास्ट में जाकर v जीरो हो जाएगा, मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम है तो लगातार कम होता जा रहा है, तो एवरेज स्पीड सोचोगे तो यहां ज्यादा होगी यहां कम होगी। कुछ चमक रहा है बच्चों? तो अब मुझे अगर यहां से टाइम निकालना है तो v कांस्टेंट तो है नहीं कि सीधे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके कर लूंगा, v कांस्टेंट नहीं है, तो मैं कहां से सोचूंगा, फेजर से सोचूंगा, फेजर में तो मुझे पता है ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो वहां से टाइम निकालना इजी है। तो अगर मुझे बोला जाए कि भाई जीरो से ए बाई टू तक का टाइम निकालो, जीरो से ए बाई टू तक का मतलब मुझे कहां तक ले जाना है, यहां तक ले जाने का टाइम चाहिए, तो ओमेगा को इमेजिनरी को यहां ले आऊंगा ना, इमेजिनरी के यहां से यहां आने का टाइम चाहिए, तो इमेजिनरी पार्टिकल कितना रोटेट कर लिया, एंगल कितना कवर किया उसने, ये ए बाई टू है, ये ए है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल भी थीटा आएगा ना, तो थीटा के सामने वाली साइड हमें पता है ए बाई टू, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहां पर, अपोजिट साइड अपॉन में एडजस्ट हमारा आ जाएगा फाइव बाई सिक्स, दो मिनट रुकना यार, ये वन नोट बंद हो गया, वो ऑन करना है। आवाज आ रही है ना, तुम लोग को दिख रहा था, पता नहीं यार वन नोट तो बंद हो गया था। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू, ये समझो ना, साइन थीटा आप निकालोगे यहाँ पर,
तो ये वाली साइड आप निकाल रहे हो ना साइन थीटा, तो इसके सामने वाली साइड ए बाई टू है और ये ए है, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बाई टू अपॉन में ए ना, वन बाई टू। मतलब थीटा आ गया पाई बाय सिक्स, तो हमें पाई बाय सिक्स घूमने का टाइम निकालना है ना। अगर हमारा इमेजिनरी पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, पाई बाय सिक्स, एंगल घूम रहा है अपॉन में ओमेगा कर दोगे तो टाइम आ जाएगा ना। समझो बच्चों, यहां से यहां तक का टाइम चाहिए तो वो कितना आ जाएगा, और ओमेगा को डाल दोगे टू पाई बाय कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा टी बाय ट्वेल्व। अब आपको अगर पहले हाफ का टाइम मिल गया ना, इस हाफ का टाइम मिल गया जीरो से ए बाई टू का, तो ये वाला टाइम निकाल सकते हो आप, क्योंकि पूरा टाइम तो पता है ना, पूरा टाइम टी बाई फोर है, टी वन प्लस टी टू का सम हमें पता है टी बाई फोर है। तो ये हमारा टी बाई ट्वेल्व आया, तो टी टू वहां से निकाल देंगे, ना या फिर आप ये भी देख लो, ये अगर 30 डिग्री आया था ना, आप नहीं तो एंगल से भी सोच सकते हो, अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री एंगल घूमने का टाइम ये वाला अगला वाला टाइम होगा, तो 60 डिग्री घूमने का टाइम तो पाई बाई सिक्स अपॉन में ओमेगा करोगे तो उससे आ जाएगा टी बाई सिक्स। तो सबको क्लियर है ना कि पहला ए बाई टू तक जाने का टाइम टी बाई 12 होगा और अगला टी बाई ए बाई टू से ए तक जाने का टाइम टी बाई सिक्स होगा। मतलब टी वन टी टू किस रेशियो में आ रहा है, टी वन टी टू का अगर आप रेशियो देखोगे तो टी बाई 12 इज टू टी बाई सिक्स, मतलब 1:2 रेशियो में आ रहा है ना, बाद में डबल टाइम लग रहा है, पहले हाफ में फास्ट गया है ना, बाद में स्लो हो गया तो बाद में डबल टाइम लगा है। तो आपको ऐसे कहीं से भी कहीं का टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्टिकल को बैठा के घुमा दोगे ना, और देख लोगे कितना एंगल घुमा है और एंगल अपॉन में टाइम कर दोगे। हाँ, फेजर डायग्राम से सॉल्व कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, संडे टेस्ट होगा यार, ऑलरेडी तुम्हारा टॉपिक देखो छूटते जा रहे हैं, अभी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट बचा हुआ है और एसएचएम अगले वीक तक खत्म हो जाएगा, अगर टेस्ट नहीं लूंगा तो फिर बहुत सारे टॉपिक मिस हो जाएंगे। कब है होली, अगले संडे को है क्या, बट यहाँ पे तो होली तुम लोग मनाते नहीं हो ना, वो तो अगले क्या, वो दो तीन दिन बाद कुछ रंग खेलने का रहता है ना, रंग पंचमी रहता है ना, रंग पंचमी पे तुम लोग खेलते हो ना यार। हाँ, तो होली वाले दिन क्या करोगे, बोर होगे दिन भर घर पे बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, तुम लोग बोर हो रहे होगे, कुछ काम तुम लोग को दे के रखते हैं। अब रंग पंचमी 5 दिन चलेगा, 5 दिन कैसे हॉलीडे मिलेगा, तो इसलिए कुल मिला के कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा। तो हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हॉलीडे पे अभी विचार करते हैं, अभी पहले थोड़ा सा पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, तो
स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, सपोज हमने एक स्प्रिंग से एक मास को अटैच कर दिया है, स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये इसकी अभी नेचुरल लेंथ है ना, शुरू में ये अपने नेचुरल लेंथ में है, मान लो एल नॉट इसकी नेचुरल लेंथ है, यार स्पैमिंग नहीं करो भाई, फिर मेरे को पढ़ाते नहीं आएगा, स्पैमिंग नहीं। अभी पढ़ाने दो, बाद में देखते हैं ये सब। अब देखो यहाँ पर ये अभी जब इस मास अपने नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में है, हाँ यार अमन ये बात तो तू सही बोल रहा है, तो देखते हैं आगे, टेंशन नहीं लो। वैसे संडे को टेस्ट होगा, मुझे कोई डांटनी पड़नी है, संडे को टेस्ट होगा, मेरी क्लास थोड़ी होगी, टेस्ट है ये, तो फंस गया अमन तू, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये मान लो जब ये नेचुरल लेंथ में था, यार अभी कोई बातों में मतलब का मुझे पढ़ाने दो, अच्छा ठीक है देखता हूँ यार, मैं करता हूँ टेस्ट का, वो टेस्ट कोई और दिन लगा देता हूँ संडे की जगह, फिर टेस्ट कोई और दिन लगा दूंगा संडे की जगह, लगे तो टेस्ट सैटरडे को ही लगा लेते, नहीं सैटरडे को क्लास रहेगी, मंडे वनडे को लगाना पड़ेगा, टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, तुम लोग देख लो किस दिन लगाना है। चलो अब मुझे पढ़ाने दो। तो अब देखो यहाँ पर अगर शुरू में ये जिस पोजीशन पर रखा हुआ है, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो उसको अगर हम x इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ना अगर उसको हम x इक्वल टू जीरो बोलते हैं, और अगर हम यहां से इसको हल्का सा x मूव कराते हैं इधर को आगे को, तो इस पे पीछे को एक फोर्स लगने लग जाएगा ना, ये फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू एक्स आएगी, k इंटू एक्स आ रही होगी ना, और फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा होगा, अगर आपने इसको आगे को पुल किया है ना, x आगे को पुल किया तो फोर्स देख रहे हो पीछे को लग रहा है ना, तो हम इसको ऐसे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि एक्स के अपोजिट है, आप पहले पढ़ लो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे ये चीज आ रही है ना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का रिलेशन मिल रहा है, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√mk, यहाँ m क्या होगा जो पार्टिकल है उसका मास, और k स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग मस्ती नहीं करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ये नोट करो यहां तक। वही तो मैं भी समझा रहा हूं तुम लोगों को कि टेस्ट देके होली खेल लेना, सुबह सुबह उठते ही कौन होली खेलता है यार, पहले टेस्ट देना फिर होली खेल लेना।
यार तुम लोग टेस्ट को लाइटली ले रहे हो, ऐसे मत सोचो यार, टॉपिक छूटते जाएंगे, बाद में दिक्कत आएगी। ये नोट हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम नोट हो गया। ये नोट हो गया, अब आगे चल रहे हैं ना। तुम लोग लिख नहीं रहे हो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम की कीमत समझो यार, टाइम वेस्ट नहीं करो यार। 10 और 11 को तो ऑलरेडी दो टेस्ट तो रहेंगे ना, 10 को मेंस और 11 को एडवांस का। 10 11 तो ऑलरेडी टेस्ट है ही है, उसमें तो कुछ डिस्कशन नहीं थी है। हाँ वो तो मैंने बोल भी दिया था, बाहर संडे टेस्ट होगा। ये नोट हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करो बच्चों, टाइम की कीमत समझो। आगे चल रहा हूं अब के यहाँ पे देखो, जो जो फोर्स लगता है स्प्रिंग में, फोर्स कैसे लगता है? अगर स्प्रिंग को आप एक्स खींचते हो मास को, तो पीछे को के एक्स फोर्स लगता है ना। भावेश स्पैमिंग नहीं करो भाई। स्प्रिंग में आपने पढ़ा था ना पीछे, कि अगर स्प्रिंग को एक्स खींच दें, इलांगेट करें या कंप्रेस करें, तो स्प्रिंग में कितना टेंशन आता था, टी इक्वल टू के एक्स आता था ना। अबे रजत तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो यार। यार ये अपन ने देखा था ना कि अगर कभी भी, अरे अगर कभी भी एफ इक्वल टू के एक्स आ जाता है कहीं पर भी, तो जो के होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और फिर उससे हमने 2π/ω किया तो ये वैल्यू आ गई थी। ये सबको याद है ना, कि कहीं पे भी अगर ऐसी इक्वेशन आ गई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के जो होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो इससे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये बन जाए। ठीक है नोट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जल्दी जल्दी लिखते रहो बच्चों, 5 मिनट पहले मैं डिस्कस कर लूंगा ना, अभी 10 मिनट है।
बस ये कर लेने तो 2 मिनट लगेगा। चलो देखो इधर, हाँ स्प्रिंग बीच से सीधा है भाई, ये पूरा स्प्रिंग। ये दो स्प्रिंग है ना, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, और दोनों सीरीज में ऐसे लगे हुए हैं। वही तो मन समझा रहा हूँ यार, तुम लोग पढ़ाने नहीं दिया है, सब टाइम पास कर दिए, बहुत कम पढ़ा पाया आज मैं। तो जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगे होते हैं तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सीरीज में इक्विवेलेंट हम लोगों ने उसमें देखा था ना, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में दो स्प्रिंग को हमने देखा था ना, एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। जिसका कुछ के इक्विवेलेंट है, तो सीरीज में के इक्विवेलेंट ऐसे निकालते थे, 1/K1 रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल लगाते हैं ना, जो काम रेसिस्टेंस में सीरीज में कर पैरेलल में करते हैं वो यहाँ पे सीरीज में करेंगे, और जो वहां सीरीज में करते हैं वो यहाँ पे पैरेलल में करेंगे। तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब अगर आप इसको हल्का सा खींच के छोड़ते हो तो टाइम पीरियड कितना बोलोगे? 2π√M/K इक्विवेलेंट। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, हालांकि पहले कराया हुआ है, मैं फिर से कर देता हूं। अगर मैं मान लो इसको x खींचता हूं, अगर मैं इसको x खींचता हूं तो क्या दोनों स्प्रिंग x इलॉन्गेट होंगे या कुछ अलग अलग इलॉन्गेट होंगे? अगर मैंने इसको x खींचा तो ये कुछ x1 इलॉन्गेट हो जाएगा, ये कुछ x2 इलॉन्गेट हो जाएगा ना, और दोनों का सम मिलकर के ये मास आगे बढ़ जाएगा। ना ये कुछ x1 इलॉन्गेट हो जाएगा, ये कुछ x2, तो जितना ये दोनों मिलके इलॉन्गेट होंगे उतना मास आप आगे खींच सकते हो ना। तो आप बोल सकते हो x बराबर होगा x1 + x2 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x बराबर होगा x1 + x2। और साथ में ये देखो, ये पूरी मासलेस स्प्रिंग है ना, दोनों स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग है, तो दोनों में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा ना। ये कंप्लीट कर लेने दो पांडा, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, दोनों मासलेस स्प्रिंग है तो इनके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा ना। अगर टेंशन सेम होगा, अगर इसको आपने x1 खींचा तो इसमें टेंशन आएगा K1 x1, इसमें टेंशन आएगा K2 x2, और दोनों में टेंशन सेम होगा ना, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे K1 x1 बराबर होगा K2 x2 के। मासलेस स्प्रिंग स्प्रिंग सब में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। अगर कोई स्प्रिंग को आपने x1 खींचा और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 है तो उसमें आ जाएगा टेंशन K1 x1, और दूसरे में आ जाएगा K2 x2। तो यहां से आप बोल सकते हो x1/x2 क्या होंगे? K2/K1। हमें x1 x2 का रेशियो पता है और उनका सम पता है ना, x1 x2 का सम पता है, रेशियो पता है। अब ये बताओ, इस मास को जब आपने खींचा है तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कहां से लगेगा? जब हमने इस मास को खींचा तो इस पे ये कनेक्टेड है ना, ये वाले स्प्रिंग, तो ये वाले स्प्रिंग की वजह से इस पे फोर्स लगेगा ना। कितना लगेगा इस पे, कितना टेंशन है? जो इस स्प्रिंग में टेंशन होगा वही फोर्स लगेगा ना। इस स्प्रिंग में कितना टेंशन है? K1 x1 ना, तो K1 x1 और वही K2 x2 के इक्वल भी होगा। तो आप क्या बोलोगे मास पे? और एक चीज देखो, ये ध्यान रखो, हमेशा SHM में क्या होता है, जो भी मास है अगर आपने उसको x खींचा है तो आपको जो फोर्स चाहिए वो x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए ना, x के प्रोपोर्शनल। x1 x2 से मतलब नहीं है, जो भी मास SHM करता है उसको अगर हम x डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस पे रीस्टोरिंग फोर्स हमें x के टर्म में चाहिए होता है। और अभी हमें फोर्स मिल किसके टर्म में रहा है? x1 के टर्म में ना। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फोर्स कितना लग रहा है मास पे पीछे को? K1 x1।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स वन को हटा करके एक्स लाना पड़ेगा। यहां से देखो आप क्या बोल सकते हो, एक्स वन की वैल्यू आप कितनी बोल सकते हो, एक्स वन की वैल्यू एक्स वन के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इंटू एक्स वन एक्स टू का सम, तो आप ये लिख सकते हो ना एक्स वन की जगह पर। तो यहां पे ये डाल देते हैं, तो यहां से देखो आ जाएगा के वन के टू ओवर के वन प्लस के टू इंटू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इक्वल टू आ रहा है और ये अपोजिट में लग रहा है इसलिए माइनस लगा दोगे ना, बाद में माइनस लगाना, मतलब ये वाला पार्ट ही हमारा k इक्विवेलेंट है ना, f इक्वल टू माइनस के एक्स में x के साथ जो आया वही हमारा फाइनल k इक्विवेलेंट है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू पार्थ, क्या डाउट है भाई, नहीं मैंने कोई वीडियो नहीं देखा है, पार्थ क्या डाउट है अभी टाइम, मुझे बातों मत फंसाओ अभी, ये समझ आया सभी को। अबे पांडा थोड़ा कम खाएगा तो जल्दी फिट भी हो जाएगा, बहुत खाता है मोटा होता जा रहा है। देखो अगर SHM में हमेशा क्या होता है, जो भी मास है उसको अगर हमने x डिस्प्लेस किया है तो हमें इस x के टर्म में फोर्स चाहिए ना, x के टर्म में हमें फोर्स चाहिए होता है। ये कंप्लीट हो जाने दो जल्दी, बस फिर छोड़ रहा हूं, बाकी तो ऐसे इतने पतले हैं वो तो जल्दी खा लेंगे, उनको तो ज्यादा खाना भी नहीं है, बाकी लोगों को तो ज्यादा खाना ही नहीं रहता। तो अब देखो भाई यहां पर अरे यार तुम लोग पढ़ाने दो भाई, दो मिनट मेरे को कंप्लीट तो करने दो। देखो आपको यहां पे जो फोर्स एक मिनट रुक जाना, आवाज आ रही है ना, म्यूट हो जा रहा है यार ये, कभी कभी चलो ये जो लास्ट में मैंने पढ़ाया ये एक बार रिवाइज करा दूंगा, तुमने सब टाइम वेस्ट किया मेरे को समझाने दे दिया, लास्ट वाला मैं अगली क्लास में फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। अब होमवर्क तो TWT का टॉपिक देख लेते हैं, आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, तुम लोग आराम से तब तक पुराना कवर करो अच्छे से। या दे ही देता हूं रुको एक मिनट, पहले वो TWT का बता दो, फिजिक्स में हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स, मैथ में हो जाएगा, अरे यार टेस्ट रखना है बच्चों, मैथ में लिमिट या ITF, ITF ही रखना है, दो बार हो गया ITF का टेस्ट, फिर से वही चाहते हो,
लिमिट लिमिट रख देते हैं। सुबह सुबह एकदम टेस्ट लगा देता हूँ, आराम से सुबह टेस्ट दे करके फिर खेल लेना, या कोई और दिन लगा देता हूँ। संडे को नहीं लगाता हूँ, कोई और दिन लगा देता हूँ अगर ज्यादा दिक्कत है तो। रजत यार स्पैमिंग नहीं करो भाई, तुम लोग देख लो, अगर टेस्ट कोई और दिन चाहिए तो वो कर दूंगा, टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। केमिस्ट्री में टॉपिक बता दो, ऐसे नहीं करो, केमिस्ट्री में टॉपिक बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब होमवर्क नोट कर लो, एक्सरसाइज वन में एक्सरसाइज वन में वन से लेकर के थर्टी थ्री तक, एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 1-33। यार छोटे छोटे क्वेश्चन है और बीच में कल छुट्टी भी है ना, कर सकते हो आराम से। पोयम सुनना है पीकू बेबी? कौन सा पोयम सुनाओगे? ट्विंकल ट्विंकल सुना दोगे? आओ इधर और ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, देखो सब लोग ट्विंकल ट्विंकल सुनेंगे। सुनाना है बच्चों को, खाना खाने जाना है, जल्दी सुनाना है तो बताओ क्या रहता है। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, सुना दो यार क्या कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो क्लोज करता हूँ, तुम लोग खाना खाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके बच्चों बाय बाय। हाँ बाय बाय।